देन विशाल में एक जोश है हर चीज कर जाने की, एंड सो आई वुड से दिव्यांका विशाल अर्जुन फॉर दैट मैटर मस्ती मस्ती में बेचारा कर जाता था, उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है। और इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल, रीजन बीइंग केप टाउन हमारी पुरानी टीम है वहां पर, हमें एनिमल्स भी अगर आप देखे। कौन ऐसा कंटेस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, इस पूरे शो के दौरान, शूट के दौरान, जिसको लगा कि जिसके बारे में आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत दिखे थे? सारे दिव्यांका वाज अ सरप्राइज, विशाल, राहुल, अर्जुन, सारे ही, मतलब एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि सब में वो जोश आ ही जाता है कि हमें करना है। पहले डर रहता है ये तो फोन ले ले, पहले डर रहता है, फिर वही तो है कि शो, मतलब जो डरे हुए हैं उनसे वो काम करवाना, क्योंकि सारे स्टंटमैन तो है नहीं, एक्टर्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन देना पड़ता पड़ा था, कोविड चल रहा है एज यू नो, सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं खुली की तरह तेरे को भी पता है इतना कुछ है ही नहीं ऐसे सारे, बट जिस मुझे जिसने सरप्राइज किया दैट वाज दिव्यांका, दिव्यांका सरप्राइज भी, क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब ये खिलाड़ी जा रहा है तो डरता है या नहीं डरता है, निडर है बट देन विशाल में एक जोश है हर चीज कर जाने की, एंड सो आई वुड से दिव्यांका विशाल अर्जुन फॉर दैट मैटर, मस्ती मस्ती में बेचारा कर जाता था, उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है, एंड स्टंट भी किया काफी। सो या फॉर मी दीस थ्री पीपल। रोहित जी आज जैसे अच्छा It's difficult because and hats off to the team, colors, the team in Cape Town, Endemol and everyone, the stunt team over there. क्योंकि precaution लेना बहुत जरूरी है, जैसे आपने देखा कि interaction तो हो गई, so हर तीसरे दिन, I think तीसरे हर पांचवें दिन सबके test होते थे, and then sanitization का ध्यान रखना, and they were on their toes, मतलब इस बार double मेहनत सबको करनी पड़ी पूरी team को, because keeping the protocols in mind. रोहित, अक्सर हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारियां होती है शो के जाने से पहले, आपने आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारियां होती मेरी है? बचपन से मैं पैदा इसके लिए हुआ था शो बाद में बना अच्छा रोहित जी, जैसे अभी अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहाँ पर, अभी अभी नहीं है, बचपन से तो अभी अच्छा बिल्कुल बचपन से, एंड हम देखते हैं जिस तरह से आप होस्ट करते हैं एंड जिस तरह से आपकी हाइट है, बॉडी है, तो ऐसे बोल रहे हो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक्टिंग की दुनिया में भी देखेंगे? मैं खुश हूँ, जो जितना कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, मैं अपने शो में खुश हूँ, बस एंड आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई डू। इस बार भी, इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल, रीजन बीइंग केप टाउन, शुरुआत हमने केप टाउन में की थी और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आए हैं ये शो लेकर, एंड वहाँ एक मतलब केप टाउन को मैं मानता हूँ कि वो फियर फैक्टर का, खतरों के खिलाड़ी का गढ़ है, जो वहाँ काम हो सकता है, बाकी जगहों पर क्या होता है हमें टीम को ले जाना पड़ता है, वहाँ पर हमारी पुरानी टीम है, वहाँ पर हमें एनिमल्स भी अगर आप देखें तो जिस तरह के एनिमल्स वहां मिलते हैं वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है, एंड इस बार वो जोश भी था सब में कि शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड। जब आप लोग भी देखेंगे तो इवन यू विल रियलाइज कि मैं रेयरली ऐसे बोलता हूँ कभी, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव पुश्ड आवर एनवेलप एंड वी हैव टेकन द शो टू नेक्स्ट लेवल, आई मीन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सीजन। हो गया अच्छा, एक एक रोहित जी, जैसे कि सारी चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही है, आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली, आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सो कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि सूर्यवंशी की डेट अब कब तक आप कुछ कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि थिएटर कब खुलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, जब वो होगा तब जाके सब खुलेगा, जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त आई थिंक हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है, अगर आप बाकी कंट्रीज में देखेंगे तो केसेस कहीं कहीं बढ़ रहे हैं, और इस वक्त इस बार आई थिंक हम सबको मिलकर उस चीज का ध्यान रखना होगा कि सब खुलने का मतलब ये नहीं कि हम हॉलीडेज पे निकल जाएंगे, वी हैव टू टेक प्रिकॉशन।
इस बात के लिए कितना प्राउड महसूस करते हैं? देखिए सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, यकीनन लोगों को एहतियात बरतनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जैसे हम आज आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वो बाहर आ रहा है, काम चालू हो रहा है, उस बारे में बहुत जरूरी है क्योंकि हम इफ यू सी तो ये तो मतलब आप हम सब आप उधर है मैं इधर हूँ बट वी आर वन फैमिली। जिस तरह से हम काम करते हैं इतने सालों से हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, सवाल जवाब होता है वो बात अलग है बट वी ऑल नो ईच अदर एंड वी ऑल नो ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक वी आर लाइक वन फैमिली। सो जितना काम खुलेगा जितना अच्छे से काम होगा इस पर एज आई सेड कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब अपना ध्यान रखें एंड हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने कलीग का ध्यान रखें और we become responsible for some days, I think कुछ महीनों की बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो जोरों में चल ही रहा है हमारे देश में। सो खुलना बहुत अच्छी बात है बट एट द सेम टाइम हम इतने जोश में ना आ जाए कि फिर से सब बंद हो जाए, उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आफ्टर द सेकेंड। Guys, this is the last question. आपने इतने सारे खतरों के खिलाड़ी सीजन किए, अभी तक का सबसे ज्यादा मुश्किल सीजन मुश्किल तो नहीं कहूंगा, ज्यादा मेहनत इस वाले सीजन में लगी है एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमें ये शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था तो मेहनत बहुत की है सभी ने, मैं कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसली हम लोग अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे जो कंटेस्टेंट को एक छूट दी गई थी शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद से लेके सीजन खत्म होने तक आप जो भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे वो लोकेशन की होगी, वी वर नॉट फॉर 45 डेज हम रूम में ही थे, चाहे हॉलीडे हो और हॉलीडे भी वो हमारे लिए हॉलीडे नहीं होता था, दैट वॉज अ प्रोटोकॉल के सुपर डॉक्टर आएंगे सबका टेस्ट होगा एंड सो ऑन। सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड द स्टंट बिकॉज लास्ट टू लास्ट हमने सीजन बल्गेरिया में किया था एंड देन ऑब्वियसली सब बंद हो गया, सो वी वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस सीजन इन अ वे के जो कभी हुआ नहीं हो, जब आप वो शो देखेंगे, जब आप स्टंट्स देखेंगे, जो आप एक पैकेजिंग देखेंगे पूरे शो की जिसमें सिर्फ स्टंट ही नहीं एंटरटेनमेंट भी है, जिस तरह के एनिमल्स हमने यूज किए हैं, सो आई थिंक दिस वॉज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट शो बट आई थिंक द बेस्ट। Thank you so much, Rohit sir.